लैपटॉप माइक लाइट्स एक्शन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज जतिन तेंगुरिया और स्वागत है आपका अपने डे 4 ऑफ 75 हार्ट यूपीएससी चैलेंज में। बुक्स के फ्लारे के चक्कर में रोज की तरह मेरी सुबह की शुरुआत होती है मम्मी की डांट के साथ। दो मुट्ठी चने पेट में, पर हम निकलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। जीडीआईजी इंस्पेक्शन होने के चक्कर में इस तरह सजा हुआ है हमारा परेड ग्राउंड अपुन का स्टाइल। ऑलमोस्ट रोज की तरह सबसे पहले मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी। अब करते हैं पढ़ना स्टार्ट। स्टार्ट करता हूँ मैं न्यूज़पेपर के साथ और फिर स्टार्ट कर देता हूँ सीजीएल 202 का मॉक एनालिसिस। सब लाइब्रेरी में हमारे बाद एक और इंसान आ चुका है। ये है शालू और शालू एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। इनका डेडिकेशन मतलब अभी जब ये पढ़ने बैठेंगी तो लगभग 4 या 5 बजे से पहले नहीं उठने वाली है और तब तक पढ़ेगी। अच्छा आज 12 बजे। चलो शालू अपना पढ़ रही है। शालू क्या पढ़ रही हो आज? करेंट पढ़ रही हो? ठीक है, एमपीपीएससी के लिए। चलो बढ़िया है। फिर थोड़ी देर में ही आ जाते हैं अनुज भाई। 2 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक अंडर द नीम का ट्री और फिर 11:27 पे एनालिसिस ख़त्म करके घर के लिए रवाना। सो अब मैं 3 घंटे की मेरी सुबह की शिफ्ट कंप्लीट करके घर की तरफ जा रहा हूँ ऑफिस का काम स्टार्ट करने के लिए। 11:30 बज चुके हैं। अनुज भी मेरे साथ जा रहा है। अनुज क्या पढ़ा आज? मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा था। इंग्लिश पढ़ा कहाँ से? रानी मैम। रानी मैम के नोट्स तो ए टू जेड रूल्स 11 घंटे वाली वीडियो। अच्छा मैंने भी देखी है वो। घर पे आके करते हैं ऑफिस का काम स्टार्ट और मिलती है एक बैड न्यूज़ कि मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा इंदौर। अब मैं उस मीटिंग में था जिसमें मेरा बोलने का ज़्यादा काम था नहीं, तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगा के लैपटॉप को साइड में रख के मैं स्टार्ट करता हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इस साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो कि मैंने शिलू दीदी से लिया था। अब मीटिंग के साथ साथ पेपर का एनालिसिस 40 मिनट में ख़त्म करके और ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं वापस से निकलता हूँ लाइब्रेरी की तरफ। वेट जरा। सो ये है वीट, मेरी गली का स्ट्रीट डॉग। ये इतना समझदार है कि अगर ये इंसान होता तो ये यूपीएससी का पेपर निकाल के बैठा होता अभी। देखा नहीं किस तरीके से वीट इधरा बोलने पे दौड़ा चला आया, क्योंकि इसको पता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और इसको घूमने को मिलेगा। बड़े चलो एक फाइल में चलेंगे। इलाका पहले बना लो। लाइब्रेरी पहुंचकर अपनी सेकंड शिफ्ट में मैं स्टार्ट करता हूं मेरे सेकंड मॉक का एनालिसिस और फिर 3 घंटे की एक और शूटिंग के बाद मैं निकल जाता हूं घर की तरफ। घर पर पहुंचने के तुरंत बाद अपने शॉर्ट्स और रनिंग शूज़ पहन मैं पहुंच जाता हूं ग्राउंड जहां पर मैं करता हूं 1600 मीटर की रनिंग 6:40 में। आई नो ये ज़्यादा है, 6:30 मांगा जाता है, बट अभी मैं किसी की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर फिटनेस। फिर मेरी रनिंग के तुरंत बाद मैं करता हूँ ट्राइसेप एक्सरसाइज जहाँ पर मैं 20 रैप्स के 3 सेट मारता हूँ। फिर बारी आती है पुशअप्स के 12 रैप्स के 3 सेट्स की। डैम मैंने नोटिस ही नहीं किया कि इस साइड से लाइट अच्छी आ रही है। खैर इसके बाद बारी आती है हैंडस्टैंड की जिसमें मैं 100 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करता हूँ। बाकी फिर पुलअप्स और थोड़ा सा योगा करने के बाद लिम्बरिंग डाउन करके बॉडी मैं इस हालत में घर के लिए रवाना होता हूँ। अब घर पहुँच के नहा के खा के और थोड़ा सा टहल के मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठा हूँ और अब रात के बज चुके हैं 1:30 और समय हो चुका है इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने का और एडिटिंग ख़त्म करने का और आपको डाटा बाय बाय बोलने का। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मिलते हैं डे 6 के साथ ऑफ अवर 75 हार्ड डे चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।